hello students welcome back to my youtube channel physics club by shakti sir so in today's lecture we are going to discuss a very important numerical based example which is based on bullet block problem so in this bullet block problem we have several different types of numericals so we will discuss it with two examples one by one with some different concepts so let's start this lecture and I hope if you are new to my channel you will subscribe it let's start it so आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक bullet है एक block है और question generally पूछा जाता है कि ये बुलेट इस ब्लॉक में कितनी दूरी तक जाएगा कहाँ पर जाके रुक जाएगा राइट right? कि लाइक like से कि यहाँ पर कहीं आके रुक जाएगा या फिर यहाँ कहीं आके यहाँ कहीं आके रुक जाएगा कहाँ पर आके रुकेगा ये आपसे पूछा जाता है कितनी या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो वेलोसिटी है बुलेट की वो हाफ़ हो जाएगी या जो इनिशियल वेलोसिटी सी उससे फोर टाइम्स कम हो जाएगी या ज़ीरो हो जाएगी तो इस तरह के इसके सवाल पूछे जा सकें तो चलिए हम इस एग्जाम नोमरिकल एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं सो so, हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें कहता है कि ए ब्लॉक मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड सो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दिस दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, कि इतनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ओके टू मीटर पर सेकेंड पेनीट्रेट से वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट देखो कम्स टू रेस्ट इसका मतलब कि आफ्टर ट्रेवलिंग फोर सेंटीमीटर इन लेट से कि फ़ोर सेंटीमीटर कुछ इतना है यहाँ तक यह है मेरे पास फ़ोर सेंटीमीटर तो यहाँ पर चार सेंटीमीटर कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो इस पोजीशन को मैं ए लिख रहा हूँ जो इनिशियल पोजीशन है और इस पोजीशन को मैं बी लिख रहा हूँ मतलब बी वेलोसिटी पे बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी है ना रेस्ट पर आ गया ना आफ़्टर ट्रैवलिंग फोर सेंटीमीटर इनसाइड इट और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी टू मीटर पर सेकेंड यहाँ पर टू मीटर पर सेकेंड ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे ओके नेक्स्ट इट सेज विद व्हाट व्हाट वेलोसिटी इट नीडेड फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ नाइन सेंटीमीटर इन द सेम ब्लॉक कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो कि ये जो बुलेट है ये नाइन सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे अभी जो हमारे पास वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी टू मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से अगर बुलेट इस ब्लॉक में एंटर करती है तो वो सिर्फ फोर सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है तो आपसे पूछा जाता है कि कितनी वेलोसिटी हो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो सो so दैट कि बुलेट इसी ब्लॉक में सेम ब्लॉक में नाइन सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करें तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है जो कि जीरो इनिशियल वेलोसिटी है टू मीटर पर सेकेंड और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है फोर सेंटीमीटर तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस राइट फाइनल वेलोसिटी जो बी पॉइंट पे है जीरो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी टू थी टू का स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए और एस की जगह मैं फोर सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में, में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइडेड बाय हंड्रेड कर देंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है हमें नहीं पता है कि कितनी एक्सेलरेशन है लेकिन जो भी एक्सेलरेशन आएगी हम उसको देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस फोर इक्वल्स टू एट बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई ए इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव में फोर वन ज़ा फोर फोर टू जा एट होगा ये हो गया हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू ए एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ये हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है राइट अब हमें इसी एक्सेलरेशन को यूज़ करना है जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हमने एक्सेलेशन को कैलकुलेट कर लिया है अब सेकंड स्टेटमेंट कहती है व्हाट वेलोसिटी इज़ नीडेड फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ नाइन सेंटीमीटर तो अगेन अगर नाइन सेंटीमीटर ट्रैवल करता है बॉडी जैसे ये अगर मैं एक ब्लॉक है मेरे पास और इसमें एक बुलेट जो है वो नाइन सेंटीमीटर ट्रैवल करती है और उसके बाद रेस्ट पे आती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपसे ये पूछा गया है अगेन हम यही इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो इस सिचुएशन में ब्लॉक तो सेम ही रहा ना ब्लॉक सेम रहेगा सेम ब्लॉक लिखा है देखो क्वेश्चन में लिखा है सेम ब्लॉक आप सबको दिख रहा होगा ये देखो सेम ब्लॉक है ना सेम ब्लॉक तो सेम ब्लॉक में क्या होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन यहां पर कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर हो जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन को हम यूज करेंगे चलिए v square minus u square equals to 2a s इस इक्वेशन की हेल्प से फाइनल वेलोसिटी को जीरो लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर हो जाएगा 2a a की वैल्यू आएगी minus 50 और s s है 9 डिवाइडेड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में था ओके okay. इसको सॉल्व करते हैं minus u square equals to minus 2 into 50 into 9 by 100 ये 50 आप देख सकते हैं ये टर्म्स कैंसिल होकर ये टू आ जाएगा ये वाला टू और ये टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा सो वी आर लेफ्ट विद यू स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन एंड यू इक्वल्स टू थ्री मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास आंसर आ गया दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस नोमरिकल कि इनिशियल वेलोसिटी अगर थ्री मीटर पर सेकेंड होगी तो सेम ब्लॉक में जो बुलेट है वो नाइन सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ओके आई होप कि आपको ये नूमेरिकल समझ आ गया होगा दूसरा नूमेरिकल देखते हैं दूसरा नोमेरिकल क्या कहता है नूमेरिकल नंबर सेकेंड ए बुलेट इज़ फायरड इन टू ए फिक्स टारगेट लूज हाफ ऑफ इट्स वेलासिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्री सेंटीमीटर तो ये बुलेट का एक टारगेट था ठीक है ये एक हमारे पास बॉक्स हो गया और ये हमारे पास बुलेट है बुलेट किसी यू वेलोसिटी से एंटर करती है इनटू द फिक्स टारगेट लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो इसने बुलेट ने क्या किया बुलेट थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है थ्री सेंटीमीटर और थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आफ्टर लिखे ना आफ्टर पैनिट्रेटिंग थ्री सेंटीमीटर लूजिज़ हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी तीन सेंटीमीटर के बाद फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी हाफ यू बाई टू अगेन तो इतनी सी स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे जैसे हमने अर्लियर एग्जाम्पल में किया था कि हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर फर्दर स्टेटमेंट पर जाते हैं तो चलिए हमारे पास होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायेर इक्वल्स टू टू ए एस फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास u बाई टू इसका स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी है u एज इट इज़ लिखेंगे टू ए एस एस है थ्री सेंटीमीटर और इसको मीटर में मैं लिख रहा हूँ ऐसे ये मीटर में लिखा जा सकता है ओके इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं चलो मैं सेंटीमीटर में ही रख देता हूँ इसको थ्री सेंटीमीटर ऐसे ओके okay, इस इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो यह आएगा यू स्क्वायर बाय फोर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई थ्री सेंटीमीटर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम यह आएगा माइनस थ्री यू स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू टू ए मल्टीप्लाई थ्री सेंटीमीटर इस तरह से ऐसा आएगा हमें यहाँ से ए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है थ्री से थ्री कैंसिल हो सकता है यहाँ से ये थ्री से ये थ्री कैंसिल हो सकता है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय एट ठीक है ये आ गया एक्सेलरेशन और यूनिट क्या होगा आपको दिख रहा है ये सेंटीमीटर में था तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ओके ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया इतने से डाटा से अब इसकी सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है हाउ मच फर्दर इट विल पेनीट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज़ीरो कि अगर ये ए है और ये बी है तो और कितना ये आगे जाए फॉर एग्जांपल सी पे आके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ज़ीरो हो जाती है तो ये एक्स कितना होगा कितना और आगे जाएगा सो so दैट कि बुलेट की वेलोसिटी जीरो हो जाए ओके okay? हाउ मच इट विल पेनीट्रेट फर्दर बिफोर कमिंग टू रेस्ट एज्यूमिंग दैट देखो क्या एज्यूम करना है इट विल फेस कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ मोशन ये जो कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ मोशन की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ मोशन का मतलब रिटार्डेशन रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन जो कि हमने देखा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आ रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसी एक्सेलरेशन को हम यूज करेंगे और कांस्टेंट है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं चलिए पार्ट बी के न्यूमेरिकल एनालिसिस को देखते हैं फिर हमारे पास होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी एट बी या वेलोसिटी एट सी ऐसे इक्वल्स टू टू एक्स तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास फाइनल है जो पोजिशन पे है और ये इनिशियल माना जाएगा वेलॉसटी एट बी क्योंकि हम बी और सी का बात कर रहे हैं ओके तो वेला गया जीरो जीरो माइनस बी पॉइंट पे वेलॉसिटी है यू बाई टू उसका स्क्वायर कर देंगे टू ए ए हमें पता है हमने कैलकुलेट कर रखा है और एक्स तो चलिए ये आएगा यू स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू टू ए का वैल्यू कितना था माइनस यू स्क्वायर बाई एट ये था और एक्स याद रखें एक्सेलेशन सेंटीमीटर में था तो एक्स की वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही आएगी इसको हम सॉल्व करते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया टू वन ज टू टू फोर जा एट ऑल राइट तो हमारे पास बचा वन बाई फोर इज इक्वल्स टू वन बाई फोर मल्टीप्लाई एक्स यहाँ से x का वैल्यू आ गया वन सेंटीमीटर दिस इज अवर आंसर ओके आई होप कि आपको ये भी एग्जाम्पल समझ आया होगा सो so, इस तरह से ये बुलेट और ब्लॉक के मैंने दो एग्ज़ाम्पल यहाँ डिस्कस किए हैं सिंपल हैं इम्पॉर्टेंट हैं इनको अच्छे से समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है किस तरह से हमें वन बाय वन एक स्टेटमेंट को पढ़ के उसको नोमेरिकली सॉल्व करना है फिर दूसरी स्टेटमेंट उसी नोमेरिकल की पढ़ के उसको कैसे सॉल्व करना है और अपने आंसर तक पहुंचना होता है आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी आपको समझ आई होगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इसी तरह से ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय